जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम साउथ सिटी 2 पार्ट सी के अंदर, ब्लॉक के अंदर C41 के जगह है। इस जगह का उपयोग हरियाणा सरकार की आड़ में इल्लीगल तरीके को लीगली रूप से किया जाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डर के द्वारा बताया जा रहा है कि मेडिकल लीगल पॉलिसी की आड़ में यहाँ पर एक बहुत ही आलीशान निर्माण किया जा रहा है, जो कि यहाँ आने वाले मरीजों के लिए किया जा रहा है जो भारत आते हैं विदेश से अपना इलाज कराने के लिए, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दो दो महीने तक वो रहते हैं और यहाँ पर ही वो अपना इलाज करवाने के बाद में अपना इंतज़ार करते हैं और इलाज को पूरा होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। रेजिडेंट्स ने मिल करके आज ज़बरदस्त तरीके से अपना विरोध जताया। सी ब्लॉक साउथ सिटी 2 के लगभग सभी निवासियों ने आकर के एक मत होकर, एकजुट होकर के आज पार्षद पति राकेश यादव के सामने गुहार लगाई कि हमें किसी तरह इस बिल्डिंग से बचाए, क्योंकि आने वाले समय में इस बिल्डिंग के कारण यहां पर बहुत जाम लगेगा, पानी की कमी होगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी होने का अंदेशा है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि यदि मौका मिलेगा या फिर इस बारे में उनको आगे कोर्ट के अंदर भी जाना पड़ेगा तो वो जाने को तैयार हैं। हमारी इस खबर के माध्यम से उन्होंने अपील की है सरकार से, प्रशासन से, कि कोई उनकी सुने और इस इल्लीगल बिल्डिंग को लीगली तरीके से बनने ना दे, क्योंकि उनके बच्चों के, उनके खुद के भविष्य का सवाल है। आगे क्या होगा ये तो देखना बाकी है। बाकी रेजिडेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले रविवार को वह फिर से इसके लिए सरकार के सामने गुहार लगाएंगे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। देखिए खास खबर, शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कि 3 साल बिल्डर ने वेट किया पॉलिसी चेंज होने का, 3 साल से बिल्डिंग बंद पड़ी थी और आज CLU की आड़ लेकर वो अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि ना सिर्फ सी ब्लॉक के लिए, ना सिर्फ साउथ सिटी के लिए, मुझे लगता है पूरे गुड़गांवा के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। हम इसीलिए सब साथ में हैं और हमको इसको किसी भी बाय हुक एंड क्रूक वी हैव टू रिमूव गेट इट। सरकार से हम यही कहेंगे CLU पॉलिसी अपनी रिव्यू कीजिए, उसको रिपील कीजिए। जब किसानों के लिए जो बिल बने थे वो रिपील हो सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इसका गलत प्रभाव ना सिर्फ हमारे लिए होगा बल्कि पूरे साउथ सिटी, ना बल्कि पूरे गुड़गांवा के लिए होगा, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करेगा। तो आपके माध्यम से हम सरकार तक, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक हमें पहुँचाना चाहते हैं इस CLU को फिर से रिव्यू किया जाए, रिपील किया जाए। और इवन CLU में जो एक वायोलेशन हो रहा है ऊपर तक, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 5th फ्लोर भी बन रहा है, तो वो सब चीजें बहुत ही बारीकी से देखी जाए एंड इसको खत्म किया जाए। राकेश यादव फाजिलपुर है, धर्मपत्नी मेरी इस एरिया से काउंसलर थी और ये साउथ सिटी 2 एरिया में हम C40 बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं। एक गवर्नमेंट ने एक इसको इस बिल्डिंग पे एक CLU दिया है इको मेडिको असिस्ट पॉलिसी के नाम से, जिसमें इसमें लगभग 60 रूम बन गए हैं, 60 रूम और 60 टॉयलेट है। जो यहाँ पे पेशेंट कहते हैं कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहते हैं उनको यहाँ पे रखेंगे, तो ये अंदर इंटरनल ब्लॉक के अंदर है जिसका सभी रेजिडेंट विरोध कर रहे हैं। पूरे साउथ सिटी 2 वाले परेशान हैं इससे कि ये पॉलिसी यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या कार्रवाई आगे की? देखो, हम इसका एजिटेशन है, हम DTP को कंप्लेंट देंगे। 5th फ्लोर अलग से बना दिया है, उसमें बिल्डिंग बायलॉज का वायोलेशन है, आगे पीछे कवरेज ज्यादा की हुई है, तो DTP में कंप्लेंट दी है, सर्वे आ गया, तो देखो कब से कार्रवाई शुरू करता है डिपार्टमेंट। राकेश जी, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो ज्यादातर ब्लॉक में चलती है, ज्यादातर सोसाइटी में चलती है, तो प्रशासन ये भी कह सकता है कि अभी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बाकी के खिलाफ भी करेंगे। देखो, जितनी भी अगर कमर्शियल एक्टिविटीज कोई भी है जो कानूनी रूप से गलत है, प्रशासन को पूरा अधिकार है कि ये, हमारे ब्लॉक में ऐसा कोई ऐसा वो अभी तक नहीं चल रहा है कि भाई इस तरह का कोई गेस्ट हाउस चल रहा हो। ये पहले गेस्ट हाउस या पहली, ये पॉलिसी के हिसाब से ये पहला बन रहा है, जो पता नहीं कितना ठीक है या गलत है, पॉलिसी के है या नहीं है, लेकिन ये गलत है। बिल्डिंग के अंदर, ब्लॉक के अंदर नहीं होना चाहिए। लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल लीगल कोर्ट तक जाने को पड़ा है, तो पूरा ब्लॉक, पूरी साउथ सिटी 2, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताया और आज प्रोटेस्ट किया गया है, किस कारण से किया गया है? मेरा नाम भरत यादव है, मैं यहाँ
ब्लॉक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हूँ। ये आज का जो प्रोटेस्ट था बेसिकली, ये C40 एक बिल्डिंग है जहाँ हम लोग अभी थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे, तो उसके जो कमर्शियल यूसेज हो रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मेडिकल असिस्टेड लिविंग एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2021 में कोविड को देखते हुए, उसकी आड़ लेके इसका एक पूरा फुल फ्लेज हॉस्पिटल ये लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पे रेजिडेंट्स जो हैं आसपास के लोग हैं वो सभी लोग इसका विरोध करते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है सर, जैसे कि आप यहाँ पे जो पार्षद पति राकेश यादव जी वो भी आए हुए थे, उनका भी समर्थन आपको मिला है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इस पे रोक लगेगी, सरकार आपकी सुनेगी? देखिए, जब जनता अगर किसी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाएगी तो सरकार को वो चीज़ें सुननी पड़ेंगी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सारे लोग साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ सी ब्लॉक की समस्या नहीं है, ये आने वाले टाइम में साउथ सिटी के बाद में पूरा गुड़गांव और बाकी शहरों की भी समस्या बनने जा रही है। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो नंबर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, इस पॉलिसी के तहत आप कितने भी घरों के अंदर ये फैसिलिटी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, 10 मीटर रोड की विड्थ कर दी, जिसके बाद में कोई गली नहीं बची जो 10 मीटर से छोटी, तो इसका मतलब ये हो गया जिसके पास 500 मीटर से बड़ा प्लॉट है वो कोई भी इस फैसिलिटी को बना ले और कमर्शियल यूजेस लीगल तरीके से कर ले, मतलब इलीगल काम को लीगल तरीके से करने के लिए पॉलिसी बनाई। महेश राघव है, मैं यहाँ पे ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारी सबकी ब्लॉक निवासियों की एक यही समस्या है कि यहाँ गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो कोरोना के कार्यकाल में बनी थी कि वो यहाँ हमारे ब्लॉक में वो इम्प्लीमेंट कर दी, जो कि मेडिको एसोसिएटेड पॉलिसी है, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो इससे क्या है कि अगर ये पॉलिसी यहाँ पे लागू होती है तो क्या है कि ब्लॉक का बिना यहाँ पे शिवर बिजली पानी लगभग 1/4 तो यही ले जाएंगे। अगर ये ले जाते हैं तो हम बाकी लोगों के लिए पार्कों की समस्या, जैसे हमारे यहाँ पे बूढ़े बच्चे महिला पार्क में सुबह शाम जा करके बैठते हैं घूमते हैं, तो जब ये बीमार करके बैठे रहेंगे तो उन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं और सरकार से हम लोगों की समस्याओं को बताते हुए ये बोलें कि भाई हम इस पॉलिसी को यहाँ पे लागू ना करना चाहते हैं, तो आपकी बड़ी कृपा। मेरा नाम सुधीश यादव है, मैं सी ब्लॉक RWA का साउथ सिटी का सेक्रेटरी हूँ। और जो ये पॉलिसी आज आपने देखा, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ करीबन 250 से 300 फैमिली हैं और हर एक फैमिली से एक प्रतिनिधि आया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, सभी लोगों ने पूरा समर्थन किया। जो मुख्य बिंदु हमारे इधर विरोध के हैं वो 4-5 हैं। एक तो जो पॉलिसी दी गई है, जो CLU इनको दिया गया है, वो एज पर पॉलिसी दिया गया है जो कि 2021 में बनी। 2021 में जो पॉलिसी बनी है वो रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह की मेडिकल असिस्टेंट फैसिलिटी को मान्यता देती है। अब उसमें जो हमारी प्रॉब्लम आती है, हमारी प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारी 30 साल पुरानी सोसाइटी है, 30 साल पुरानी सोसाइटी होने की वजह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया है। इसमें 6 इंच की एक सीवर लाइन डली हुई है और इस बिल्डिंग में जो कैपेसिटी बनाई जा रही है वो करीबन 200 से 250 लोगों के रहने की बनाई जा रही है, जिसमें कुल 120 से 130 बेड बताए जा रहे हैं और 15 कमरे पर मंजिल पे हैं और 4 मंजिल का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है और 5वीं पे कार्य चल रहा है। दूसरा, इसमें जो बिजली की खपत है वो करीबन 100 से 150 किलोवाट जा रही है, जो कि हमारी अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कभी 30 साल पहले प्लान किया गया था उसकी कैपेसिटी के बाहर है। अभी जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेज करते हैं, BHBVL का जो रोल है उसमें सिर्फ उनके अनुसार वो उसको ट्रांसफार्मर तक देखेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है वो रेजिडेंट खुद देखेंगे। इसके तहत हमने करीबन 15 लाख रुपये लोगों ने मिला के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन फ्यूज उड़ते थे, हमारे ट्रांसफार्मर के इक्विपमेंट उड़ जाते थे, ट्रांसफार्मर में तेल नहीं था, वो सब सरकार ने सहायता ना करने की वजह से रेजिडेंट ने 15 लाख रुपये अपने लगाए। दूसरा, यहाँ पर बारिशों में आप देखेंगे तो 3 से 4 फुट पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि सीवेज लाइन और रेन वाटर में यहाँ पर काफ़ी समस्या होती है और जब 200 लोग एक बिल्डिंग में रहेंगे तो यहाँ का सीवेज लाइन की व्यवस्था जो बनी हुई है पूरी चरमरा जाएगी।
अभी तक जो दूसरा जैसे राघव जी ने या भरत जी ने अभी बताया है, हमारे पार्क हैं इसमें तीन, इस हमारे ब्लॉक में तीन मुख्यतः पार्क हैं, दोनों ही बिल्डिंग के आसपास आते हैं उनमें से। और अगर उसमें जो बच्चे उसमें खेलते हैं, बुजुर्ग खेलते हैं, और फिर एज ए ह्यूमन हम किसी पेशेंट को नहीं मना कर पाएंगे कि आप इस पार्क में ना आए, लेकिन उनके लिए एक समस्या बहुत बड़ी बनती है और सेफ्टी। अभी हमारे जो ब्लॉक्स में जो कोई भी एंटर होता है उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसका नाम रजिस्टर्ड होता है, आगे जो एंट्री होंगी C40 में विजिटर्स आएंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे देखने, तो उससे जो गेट का लोड है प्लस वो कोई भी आके C40 के नाम से एंटर कर सकता है। अभी हमारी जो मेड्स आती हैं, डेली हेल्प आते हैं, कार वॉशर्स आते हैं, इन सब का पुलिस वेरीफाइड पास बना हुआ है। आगे ये सब चीज़ें जो हमारा आज हमने व्यवस्था करके अपने ब्लॉक को सुरक्षित किया हुआ है सब चरमरा जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है। और इसमें पानी की कैपेसिटी आप देखें, हमारे यहाँ हर साल जब भी गर्मी बढ़ती है 2 से 3 महीने में पानी की इतनी समस्या आती है, लोग दो दो तीन तीन दिन तक पानी टैंकर से मंगाते हैं। अब इस बिल्डिंग में जो पानी की कैपेसिटी बनी है, करीबन 40,000 लीटर का टैंक अंडरग्राउंड टैंक है जो कि MCG ने रिपोर्ट किया था। 40,000 के 10-10,000 के 4 टैंक इन्होंने अलग से मंगाए हैं, तो जो अभी जो दिख रहा है वो 80,000 लीटर पानी की इन्होंने कैपेसिटी क्रिएट करी है। 80,000 लीटर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में जिसमें पानी की पहले ही समस्या चल रही है, कितना बोझ डालेगा उन सब रेजिडेंट पे जिनको पहले से ही टैंकर मंगा के पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि आप इस पॉलिसी को रिविजिट करिए, इसके मुख्य पॉइंट देखिए। हम एज नागरिक हरियाणा के, इंडिया के, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस तरह की जो भी फैसिलिटी बने वो सेक्टर रोड पे बने, या पार्किंग की व्यवस्था हो, सुरक्षा का रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम ये मानते हैं कि ये पॉलिसी अनिवार्य है इस तरह की, लेकिन इसका जो पर्यावरण है वो मेन सेक्टर रोड्स पे होना चाहिए ताकि नागरिकों को इससे कोई समस्या ना हो, प्लस उनको सुविधाएं भी मिले। नीरज नाम है मेरा, नीरज यादव, साउथ सिटी 2 RW की जिम्मेदारी है। और आपने ये बताया कि कम लोगों का ऐसा नहीं है, अभी आज की पोजीशन में सिर्फ ये साउथ सिटी 2 के सी ब्लॉक के ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम किया था जिससे कि अवेयरनेस आए रेजिडेंट्स के अंदर, हम बता पाए कि ये हो क्या रहा है। बाकी प्रोटेस्ट जो है या फिर तो है चीज़ें अलग से होंगी, और जहां बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ये भी एक दिन आएगा देखिएगा, आप और हम सारे साथ रहेंगे। अगर रेजिडेंट सारे साथ हैं, हम सारे हैं, तो बिल्कुल ये यहां से हटेगा, पॉलिसी चेंज होगी, चलने नहीं देंगे इनको। तो ऐसे ऐसे थोड़ी वजह है कि गुरुग्राम में इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है और प्रशासन उन पर रोक लगाने में नाकाम है। प्रशासन देखिए, जो भी पॉलिसी बन रही है वो ऑन ग्राउंड देख के पॉलिसी, ये अगर देखें तो बाहर कमर्शियल एरिया में बन रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो पहले वाली पॉलिसी 60 मीटर वाली रोड पे बन रहे, यहाँ बिल्कुल आप रेजिडेंशियल एरिया के बीच में 10 मीटर रोड है, यहाँ पे 400 से ऊपर फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पे आपका मेडिकल जो वेस्ट जो आना है उसके लिए सरकार ने नहीं सोचा है। यहाँ पे इनको जो 60 कमरे हैं, इतनी पॉपुलेशन जो आ जाएगी यहाँ पे, उसके लिए सरकार ने नहीं सोचा। ये सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से, पर ये जो उसको चेंज करके 10 मीटर पे कर दिया, रेजिडेंशियल एरिया में कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। कितने समय से बनी हुई है समस्या आपके साथ? ये गुड़गांव की पहली समस्या है। ये आपकी सोसाइटी में कितना समय है? निर्माणाधीन होते हुए इसको शायद हो गया 3-4 साल हुए, कोविड से पहले से इनको काम चल रहा था ये, पर पॉलिसी के अभी ये लेके आए हैं, अभी हमें बड़ा जल्द, तो तब से हम लोग इसमें लगे हुए। C40 कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो। मेडिकल असिस्टेड पॉलिसी बंद करो, बंद करो। इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करो, C40 कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो। पॉलिसी को बंद करो।